कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में 45 लोगों की हुई मौत में दो गोरखपुर के भी हैं। इनमें गुलरिया थाना क्षेत्र के भमौर गांव के रहने वाले जयराम गुप्ता और गोरखनाथ थाना क्षेत्र के उत्तरी जटेपुर के रहने वाले अंगद गुप्ता शामिल हैं। जयराम और अंगद की मौत की सूचना मिलने के बाद ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतकों के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग भी की। आज गोरखपुर एयरपोर्ट पर जो कुवैत में मृत्यु हुई थी भारतीयों की, उसमें से दो गोरखपुर के निवासी थे, जयराम गुप्ता और अंगद गुप्ता। उनका पार्थिव शरीर आया है और उनके परिजन और माननीय विधायक कैंपेरगंज उपस्थित थे यहाँ पर, और उनकी उपस्थिति में उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया पार्थिव शरीर। अभी परिजन पार्थिव शरीर को अपने घर ले जाएंगे, फिर उसके पश्चात उनके अंतिम संस्कार की तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है और प्रशासन इस दुखद घटना में परिवार के साथ है और आगे जो भी जरूरत होगी परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं। सर, नाम था अंगद गुप्ता और 8 साल से वहाँ पर थे। सर, कौन सी कंपनी में थे? पहले सर सुल्तान मार्केटिंग में थे, उसके बाद 15 दिन पहले उन्होंने किसी और कंपनी को ज्वाइन किया, उसी कंपनी में ये हादसा हुआ।